गोरमी पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में डेयरी पर छापा, 72,000 की मिलावटी सामग्री जब्त। मामला भिंड जिले के गोरमी थाना अंतर्गत सोंधा गांव का है। यहां पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिल रही थी कि आरोपी प्रदीप जैन के द्वारा मिलावटी सामग्री से डेयरी चलाकर विभिन्न मिलावटी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इस पर गोरमी थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने खाद्य विभाग की फूड इंस्पेक्टर रीना बंसल के साथ सोंधा पहुंचकर संयुक्त छापामार कार्यवाही की। इसमें आरोपी डेयरी संचालक के कब्जे से भारी मात्रा में मावा, डालडा, सोयाबीन तेल, घी जिसकी कीमत लगभग 72,000 रुपए बताई गई है। इस पर गोरमी पुलिस ने 420 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और खाद्य विभाग की टीम ने जब्त की गई सामग्री का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। कुछ सूचना मिली थी कि ग्राम सोना प्रदीप जैन जैसे दोनों भाई हैं, नैनचंद के लड़के, वो नकली मावा, नकली क्रीम तैयार कर रहे हैं। खूब सूचना पर से खाद्य अधिकारी रीना बंसल के साथ दर्ज दी गई। करीब 2.5 क्विंटल नकली मावा, करीब 2.5 क्विंटल घी, करीब 2 क्विंटल क्रीम जब्त की गई तथा 6 टीन रिफाइंड की